हरे कृष्णा। तो आज गोवर्धन पूजा प्रिपरेशन का 4th डे है और कल और परसों हम शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि मैं पूरी रात लड्डू बाइंड कर रहा था और प्रेम रूपा साथ ही साथ तरह तरह के लड्डुओं का मसाला तैयार कर रही थी। मसाला नहीं, जो उसका प्रिपरेशन है वो कर रही थी। या चूरा, लड्डू का चूरा तैयार कर रही थी। हाँ। और प्रेम रूपा पीछे दिख रहा है, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो। हम एक्सप्लेन आपको ये करना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं सामान सब कुछ पैक्ड है, वो इसीलिए क्योंकि हम वृंदावन में ही नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से हमने पैकिंग कर रखी। अभी बस 5-10 दिन बचे हैं और गोवर्धन पूजा भी आने वाली है, तो इतना टाइम नहीं होगा। सो पैकिंग भी चल रही है, साथ में प्रिपरेशन भी चल रही है, ऑफिस का काम भी चल रहा है और सब कुछ एकदम हो रखा है। सो वी आर ट्राइंग। और अब तक हमने कुछ तरीके के लड्डू रेडी कर लिए और कुकीज रेडी कर ली हैं। कुकीज हमने ओटमील कुकीज बनाई हैं और एक सेकंड मैं कैमरा टर्न करता हूँ। तो अब तक हमने कुछ तरीके के लड्डू बनाए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने बनाए हैं कोकोनट हनी बॉल्स, हमने बनाए हैं कोकोनट लड्डू और हमने डेट्स की बर्फी भी यहाँ पर सेट होने के लिए रखी है और बाकी ये सामान है हमारे बेकिंग का, क्योंकि लाइट नहीं आ रही okay. और हमने अलग अलग तरीके के लड्डू प्रिपेयर करे हैं, और जैसे कि आटे का लड्डू है, ये भी आटे का लड्डू है। एंड देन वी हैव पीस ऑफ शुगर कुकीज, ये हम डेकोरेट करेंगे, देखते हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। ओ, इसमें है स्पाइस कुकीज और इसके नीचे फिर नान खटाई है, मुझे सब उठाना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सब कुछ अभी पैक करके रखा हुआ है और अभी हम चल रहे हैं किचन की तरफ और हमने अभी नमक पारे रेडी कर लिए हैं इधर एंड व्हाट एल्स बस। और अभी हम बखरवाड़ी और नमकीन काजू बनाएंगे, तो अभी तक इतना ही अपडेट है। अभी क्या क्या बनाओगे? बखरवाड़ी, नमकीन काजू और टाइम बचा तो शक्कर पारे का भी इरादा है, बाकी और? कल बनाएंगे फिर खाजा और गुजिया। लेट्स सी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, तो अब तक टोटल कितने आइटम हो गए? 14। हरी बोल। अब क्या हो रहा है? अभी काला जामुन बन रहा है, पता नहीं कौन सा डे नंबर है, मुझे तो यही आइडिया नहीं है, तो अभी काला जामुन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये पकौड़े लग रहे हैं तो। ऐसा नहीं, ये देखो, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, दिस इज काला जामुन, राइट हियर, बिकॉज़ दिस इज काला जामुन, तो ये काले ही होंगे। दूध बनाना आता तुम्हें? ये दूध नहीं बन रहा, इसका छेना बनेगा, अभी उबाल रही हूँ इसको। और छेना मतलब पनीर, उसका पोस्तो कला में एक डिश बनेगी, तो उसके लिए भी मुझे छेना तैयार करना है इसके लिए। सो दैट और अभी हम गुजिया की तैयारी कर रहे हैं। वही तुम्हारी गुजिया की रेसिपी है? हाँ, क्योंकि मुझे कोई रेसिपी याद नहीं रहती, इसलिए मुझे सब देखना पड़ता है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो। ओ प्लीज, ऐसा है, ये भी ना निशा मधुलिका जी से ली गई रेसिपी है, तो मेरे को कुछ नहीं आता। और ये क्या तुम्हारा इक्विपमेंट है? ये है मेरी वेइंग मशीन, जिसमें मैं सब कुछ वे करती हूं। हाथ रखो अपना। और क्या करूँ, हाथ रख के? और चलो आपको अपडेट देती हूँ, बिकॉज आज पता नहीं कौन सा डे नंबर है, बट स्टिल आई गिव यू अपडेट, जो जो अब तक हमने बनाया है, फॉलो मी। सो ये है हमारे लेमन बार्स, एंड देन इसको ये मतलब कट होगा अभी ऑब्वियसली, ये इसमें है खाजा और इसमें है पनीर बर्फी, जगन्नाथपुरी वाला। हाँ, जगन्नाथपुरी वाला, एंड दिस इज पनीर बर्फी और इसके अंदर है संदेश। पनीर बर्फी के ऊपर क्या है? डॉट 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 डॉट, दिस नॉट डॉट डॉट डॉट, दिस इज पाउडर्ड ड्राई फ्रूट्स। एंड ये हमारे अलग अलग तरीके के बार्स हैं जो आपको फाइनल डे पर दिखाएंगे। ये है हमारे वॉलनट टॉफी बार्स, एंड देन दिस इज कॉल्ड मैजिकल मैजिक बार्स, एंड देन वो है हमारे ओट बार्स और उसके नीचे है मावा बर्फी। और मेरे दो हाथ हैं तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती। इसमें है 7 कप्स बर्फी, मतलब ये 7 अलग अलग इंग्रीडियंट्स के कप्स को यूज़ करके बनाया गया है, हेंस 7 कप्स बर्फी। सो जैसा कि आपने पिछले शॉर्ट्स में देखा, अभी हमारी 24 डिशेज तैयार है और आगे पता नहीं क्या होगा, बिकॉज अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 31st है, हमारी गोवर्धन पूजा है 3rd को, तो हम लोग 3rd को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 5th को मंदिर में होती है और 4th को हमारी सेवा कहीं और होती है, और इसलिए छोटी दिवाली वाले दिन 3rd को हम लोग गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और जिस टाइम पर ये वीडियो हम रिलीज करेंगे, उस टाइम तक ठाकुर जी को भोग लग चुका होगा, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पिछले वाले ब्लॉग पे कमेंट किया था कि बहुत यमी लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, अब वो इतना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रसाद बन चुका होगा उस टाइम तक। अभी ये भोग है तो हम इसको रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये प्रसाद नहीं बन जाता। हरे कृष्णा, तो कल गोवर्धन पूजा है और प्रेम रूपा यहाँ पर क्या कर रही हो? मफिन्स डेकोरेट कर रही हूँ, और अभी भी रेड वेलवेट मफिन्स हैं, ये रेड वेलवेट मफिन्स, या तो अभी उनको डेकोरेट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और ये वाले मफिन्स कौन से हैं? कौन से? दीज आर बनाना मफिन्स। ये हो चुके डेकोरेट? हाँ, ये मतलब ये ऐसे ही रहते हैं, ये वीट फ्लावर के बने हैं, तो इनको हम इनके ऊपर हम पफिंग कर रहे हैं, फिलहाल हम रेड वेलवेट मफिन्स को डेकोरेट कर रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और ये कुकीज अभी बीच में ही है, अभी इन पे प्रेम रूपा वो कर रही है। प्रेम रूपा क्या कर रही हो? कुछ डिजाइन सोच रही हूँ। ये क्यों छोड़ दिया बीच में? हाँ, ये बीच में क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि अभी ये ढोकला का बैटर तैयार करना है, ढोकला बनने के लिए रखना है, उधर हमारी प्यारी सखी, हमारी प्यारी फ्रेंड आराधना दीदी वो बना रही है पकौड़े। पकौड़े कौन कौन से दीदी? पकौड़े हैं आलू के,
आलू के, पनीर के, आलू के, पनीर के, बैंगन के, शिमला मिर्च के, अच्छा, और पत्ता गोभी के भी बनेंगे, पत्ता गोभी के, पालक के, बस आज पकौड़े खिलाने के लिए नहीं, मिक्स क्रीम वेज अभी रेडी है, मतलब मिक्स वेज क्रीमी मिक्स वेज रेडी है, और अभी हमने शिमला मिर्च पनीर की सब्जी रेडी कर दी है, पालक पनीर भी रेडी है, कढ़ी भी रेडी है, एंड अभी अभिषेक की तैयारी करनी है, अभी हमारे गिरिराज जी का अभिषेक होने वाला है, तो देखते हैं, और हमारे केक्स भी रेडी हैं, और अभी बनाया, अभी सब कुछ बाहर निकालना होगा, मफिन्स भी हैं, लड्डू भी हैं, मफिन्स कौन कौन से, मफिन्स हमने रेड वेलवेट मफिन्स बनाए, कोकोनट मफिन्स हैं, और कौन से हैं, पोमेग्रेनेट मफिन्स हैं, और ये कौन सी ट्रे है, ये मिनी चीज फ्राइज हैं, और ये हमारी इंदिरा दीदी हैं जो हमारी इतनी मदद कर रही हैं इस वक्त, हां, जो कि स्पेशली गोवर्धन पूजा के लिए आई हैं, हां, तो हरे कृष्णा का तो कर दो, हरे कृष्णा, ये ब्रज में रहती है, ब्रजवासी में नहीं आई है हमारी, हां, और अभी हम लोग का है, पता क्या हुआ, कल रात 2 बजे प्रभु जी ने ब्रेक लिया कि चलो मैं थक गया हूं, मैं जाके सो रहा हूं, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे थोड़ा जगा देना, 1 घंटे के लिए नाप लेने गए, मेरा 2 बजे तक सब कुछ हो गया था वैसे, लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया एक चूहा हमारे घर में, और सारे मफिन सब केक्स ऐसे रखे हुए थे, और मैं डर गई, बहुत गंदे वाला डर गई, फिर मुझे 1 घंटा लग गया सारा वाइंड अप करने में, सब कुछ फ्रिज में रखने में। ओके प्रेमर पर क्या क्या बाहर आ गया, अभी सब मफिन आए हैं, केक्स आए हैं, और भी मतलब अभी सब कुछ नहीं आया बेसिकली, अभी प्लेट्स जब बनाएंगे ना तब आएगा। ओके, तो अभी तुम डेकोरेट कर रही हो? या हरे कृष्णा, trying to arrange everything and ensure that everything is there on time.